चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी। जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत साधुवाद, और आप सबसे ये निवेदन है कि संघ को आगे बढ़ाने में अपना योगदान और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। जो हमारा कॉन्सेप्ट है जुड़ना और जोड़ना, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। वी द पीपल समर संघ में आप सभी का स्वागत है। 5 मई 2021 से निरंतर हम 8 बजे की जूम मीटिंग में लोगों से शिरकत करने का, परस्पर जुड़ने का और जोड़ने का आह्वान करते हैं। हम क्यों जुड़े ये तो प्रश्न ही बहुत अजीब सा है। हमारा जवाब है हम क्यों नहीं जुड़े। जुड़ना और जोड़ना तो एक सहज प्रक्रिया है, प्राकृतिक नियम है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अपने सभी दैनिक क्रियाकलापों को करने के लिए हमें दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है। हमें जुड़ना होता है अपनी तमाम जरूरतों के लिए, लेकिन ये जोड़ सार्थक तभी होता है जब समान विचारधारा के लोगों के मध्य ये जोड़ बने। हमारा भी निरंतर प्रयास है कि हम अपने एक समान विचारधारा के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर एक छत के नीचे एकत्रित कर पाए और एक समतामूलक समाज की स्थापना करें। अपने सभी SC ST और OBC के लोगों के लिए हमें जुड़ना है, क्योंकि हमारा बहुत कुछ खोया हुआ है। हम बहुत दयनीय स्थिति में हैं। हम चाहते हैं कि हम सब जुड़ेंगे तो हम एक दूसरे का मनोबल हम बढ़ाएंगे और हम अपनी बात आगे रख पाएंगे, हम अपने हिसाब से जी पाएंगे। जीना इस वक्त हम लोगों के लिए बहुत दूभर सा हो गया है। आने वाले समय में हमें लगता है कि हमारी जो मूलभूत जो चीजें हैं, जरूरतें हैं, वो भी शायद अब हमको मिलने वाली नहीं है। तो जो संविधान की मूल विचारधारा है, हमारा संघ संविधान को अपना नेता मानता है। हमारा आदर्श संविधान है, उसकी प्रस्तावना के आधार पे हम अपने लोगों के लिए एक समाज की व्यवस्था करना चाहते हैं, जो कि एक संघ में रहकर ही संभव हो पाता है। हमारे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुलभ हो, प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो, शिक्षा चिकित्सा आदि सहज सुलभ हो। हम लोगों के बीच में जो भेद हैं, हम जो डिस्क्रिमिनेशन हैं, वो समाप्त हो। हम लोग एक साथ में, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी धर्म के हों, कहीं किसी भी देश के हों, लेकिन अगर हम समर समाज के लोग हैं तो हम सब एक जैसे हैं। हमारा ये मेन उद्देश्य है कि हमारे बीच में कोई मानव के बीच में कोई भी किसी भी तरह की दूरी ना हो, किसी तरह की भिन्नता हो नहीं हो। क्योंकि अगर आप देखते हैं, चाहे वो पूरब का हो या पश्चिम का हो, उत्तर का हो या दक्षिण का हो, सब एक तरह से सांस लेते हैं, एक तरह से खाना खाते हैं, सारी क्रिया है हमारे एक सी है, तो हम अलग अलग क्यों हैं? हमारी यही अवधारणा है कि हम अलग अलग क्यों हैं, हमको एक साथ रहना है और एक साथ रहकर हम अपने बहुत सारी चीजें अपने आप प्राप्त कर पाएंगे। हमारा संघ जो है वो लगातार लोगों को जोड़ रहा है, उसके अलावा उनकी जरूरतों के हिसाब से हमने छोटे छोटे अपने घटक बना रखे हैं। जैसे कि हमारा एक सीनियर सिटीजन्स का घटक है, जो कि अपने सीनियर सिटीजन्स लोगों को, एक तो क्या है, उनके अनुभवों से हमें बहुत लाभ मिलता है, तो उनके हमें बहुत जरूरत हमेशा रहती है, तो उनकी आवश्यकता महसूस करते हुए हमने अपना एक संघ बनाया है सीनियर सिटीजन्स का, जो इस पर हम लोग आपस में सभी लोग जुड़ते हैं और उनसे विमर्श करते हैं, संघ के लिए क्या हितकर होगा उस पर हम बात करते हैं। इसी तरह से हमारा महिला संघ हम अलग बना चुके हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ में वो एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उन्हें पता नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा संघ था, जो बहुत पुराना संघ था बुद्ध के वक्त का, तो फिर हमारे संघ में किसी तरह का महिलाओं के आधार पे या रंग भेद कैसे किसी भी आधार पे हम लोग बिल्कुल अलग अलग नहीं थे, हम एकजुट थे। क्योंकि हमारे यहाँ सबको सम्मान प्राप्त था, सबको बराबर का हक मिलता था, चाहे वो महिलाएं हो। ऐसा नहीं कि तुम महिला हो तो घूंघट में रहो, घर की चार दीवारी के अंदर रहो, बस रसोई में ही रहो तुम महिला, वो बराबर उनका भागीदारी रहती थी पुरुषों के साथ में। तो इसलिए हमारा संघ जो है बहुत विकसित था।
और एक जो हमारा भारत महाभारत था, अखंड भारत था। लेकिन जब कुछ भी ऐसी घटनाएं जो घटित हुई तो उन्होंने क्या करा, क्योंकि वास्तव में उन्होंने ये देखा कि हमारी शक्ति, जो हमारे विरोधी होते हैं ना, हमारी ताकत कहाँ है, वो उस पर वार करती है। और उन्होंने ये देखा कि हमारी ताकत हमारी महिलाओं में है, तो इस उन्होंने तरह तरह से सबसे ज्यादा प्रताड़ित औरतों को किया, बहुत सारी उन पर बंदिशें लगा दी गई, बहुत सारी उन पर कुप्रथाएं लगाई गई, जिससे कि हमारी महिलाएं जो है ये भूल गई कि वास्तव में हम हैं क्या। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपनी महिलाओं को, उनको ये एहसास कराएं कि देखिए आप कहाँ हैं। हमें खुद नहीं मालूम था कि हमारे अंदर कितनी संभावनाएं हैं, हम कितने कैपेबल हैं। और ये संघ से पता चला, उन्होंने क्या करा कि बहुत सारी महिलाओं को बोलना सिखाया है, बहुत सारी महिलाओं को ये बताया है कि हमें काम उनको दिशा दी है काम करने के लिए। तो उसके लिए हम संघ का आभार व्यक्त करते हैं सभी महिलाओं की ओर से। इसी तरह से हम रोज बात करते हैं महिलाओं से, अलग से हम उनके साथ में मीटिंग करते हैं ताकि वो अपनी बात बात जो है निसंकोच कर पाए, और फिर उनकी समस्या को जानकर हम आगे उस पर काम करते हैं ताकि हमें उन्हें अपने बराबर लाना है। उनके घर की चार दीवारी के बाहर भी उनके लिए बहुत सारे काम हैं। आपको पता है हमारे, मतलब अगर आप इतिहास में जाएं तो शायद समर समाज की महिलाएं, उन्होंने जो किया है वो बहुत अपने आप में एक मिसाल है। अहिल्या बाई थी हमारी, और माता रमा बाई हैं, भीमा बाई जीमा हैं, और उसके अलावा सावित्री बाई फुले, ऐसी तमाम महिलाएं हैं जिनको मतलब इतिहास ने जानबूझकर उनको बिल्कुल दबा दिया, उनको किसी को उनका पता ना हो, ताकि हम लोग उनसे प्रेरित ना हो, उनसे हम शिक्षित ना शिक्षाएं ना ले पाए और हम आगे ना बढ़ पाए, इसलिए उस इतिहास को बिल्कुल मिटा दिया गया। तो हम उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे डॉक्टर्स का संघ बन चुका है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स जो है अपने विदेशों से भी जुड़ते हैं, देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ते हैं, और शहरों और गांव भी होते हुए, क्योंकि हमारे लोगों को एक तो क्या चिकित्सा और शिक्षा दोनों पे बहुत काम करने की जरूरत है। चिकित्सा उनको मिलती नहीं है, गरीबी इतनी ज्यादा है कि वो सोच भी नहीं पाते हैं कि वो इस हद तक काम करती हैं कि बेचारे, क्योंकि उनको दो रोटी की जरूरत ज्यादा होती है। जब तक उनका शरीर निढाल नहीं हो जाता वो बिल्कुल आराम की या सोचते ही नहीं है, जब सोचते भी हैं तो किसी के पास साधन नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारे डॉक्टर्स आगे आए हैं, आप प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि हम जो है अपने लोगों को निचले समाज, मतलब अपने समाज के जो निचले पायदान पे लोग हैं उनको हम अपनी बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त कराएं। तो उसके लिए देखिए डॉक्टर्स बहुत कम हैं, हमें एक नेटवर्क बनाकर काम करना होगा जिसमें हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। हम लोग ओपीडी करते हैं ऑनलाइन, अभी हमने शुरुआत की है कि हर बुधवार को शाम को 6 बजे से 8 बजे तक हमारे डॉक्टर्स जुड़ते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जुड़ते हैं। तो कृपया इसका आप फायदा लें। देखिए कोई मतलब यहाँ लाइन नहीं लगानी पड़ती, आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ता है, पर्चे की लाइन नहीं, डॉक्टर्स की लाइन नहीं, और किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो। तो आप कम से कम अपनी बातें हमसे शेयर करिए, या आपके पास प्रशांत, तो उनके बारे में बताइए कि भाई वो लोग हमसे बातें सुनिए चिकित्सा के बारे में, हम किस तरह से, ऐसा नहीं कि हम बीमारी हो तभी आप डॉक्टर के पास जाएं, आपकी मतलब आप किस तरह से स्वस्थ रहें इस पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई अगर आपको लगता है कि किसी को कोई बीमारी हो सकती है उसके बाद में आप विचार विमर्श कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से आप कभी भी बात कर सकते हैं, उनके चैट बॉक्स में नंबर सबके पास रहते हैं। तो इसी तरह से हमारे और भी संघ अधिवक्ता गण है हमारे, उन्होंने अपना संघ बना रखा है। अधिवक्ताओं का क्या, आपको पता है एट्रोसिटीज हमारे साथ में इतनी ज्यादा होती है, अव्वल तो उनके FIR नहीं लिखाई जाती, किसी भी तरह से किसी भी दबाव में आकर अगर उनके FIR होती भी है तो थानों से में ही देखे उनके साथ में क्या है, उन्हें ही प्रताड़ित करते हैं, पीड़ितों को ही। उसके बाद में जैसे तैसे अगर न्यायालय में हम पहुंचते भी हैं तो वहां भी क्या हमें न्याय नहीं मिलता। और आज भी मतलब दुखद है ये, एक हम सबके साथ में भी है कि हमारे जो मुट्ठी भर जो वकील हैं या जज जज तो ना के बराबर हैं, तो वो भी इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं कि न्यायालय में खड़े होकर हमारे पक्ष में कुछ बोल पाए। लेकिन जब हमारा संघ बना है और जिस पर निरंतर काम चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, हर लोगों को लगता है हाँ भाई हमारे साथ इतने सारे लोग हैं, उनकी हिम्मत बढ़ती है, उनका हौसला बढ़ता है। तो ये संघ अपना आकार ले चुका है, ये संघ के लोग भी जहां भी है पूरे देश के लोग जुड़े हैं, पूरे देश के अधिवक्ता गण जुड़े हैं हमारे साथ में। तो वो निरंतर जो है हम लोगों से बात करते, वो भी इस तरह से अपनी सेवाएं देंगे
कि आप बताइए, आप उनसे मिलिए, अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर करिए, या हमारे जो अधिवक्तागण हैं उनके नंबर्स चैट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उनसे कभी भी बात कर सकते हैं अपनी समस्याओं पर। इसी तरह से हमारे शिक्षक हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को एक अच्छी शिक्षा मिले और मुफ्त में मिला, क्योंकि वास्तव में जो शिक्षा और चिकित्सा है ये दोनों चीजों पे बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। ये हर आम आदमी का मूलभूत अधिकार है कि उसको दोनों चीजें मुफ्त मिले। तो उसके लिए जो हमारे शिक्षक हैं वो भी अपना संघ जो है बना रहे हैं। इसी तरह से हमारे जो और इंजीनियर्स हैं, व्यापारीगण हैं और स्टूडेंट्स हैं, वो सब इस तरह से हम लोग धीरे धीरे काम को बढ़ा रहे हैं। आप लोगों के सहयोग की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारे जो लोग हैं जहां हमें पहुंचना है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, हम लोग बहुत कम है, ये काम हमें बहुत तेजी से जुड़ना करना है। तो इसके लिए मेरा आप सभी से, संघ का आप सभी से बार बार अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें और प्लीज इस संघ को आकार देने में, इसको एक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।